इनका प्राइस क्या देना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स? इस गाड़ी का आपको 6,60,000 इसका प्राइस है। भैया क्या कीमत देना पड़ेगा इनका? देखिए गाड़ी साल 2016 का रजिस्ट्रेशन है, 16 का मॉडल है, इसकी कीमत आपको 9.5 लाख रुपए पड़ेगी। ये लोकेशन कहाँ है जी? ये लोकेशन आपको धनबाद में गोविंदपुर में आपके लोकेशन में हमारी शॉप है। तो व्हाट्सएप आप सबके साथ, आई होप फिर से एक न्यू सेकंड हैंड कलेक्शन लेकर आ चुका आप लोगों के लिए। तो इसी साथ चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे भैया, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अब फिर से और एक नए सेकंड हैंड फोर व्हीलर का वीडियो लेकर आ चुका है। तो पहले मैं ये आप लोगों को ये शोरूम का नाम बताने वाला हूँ, देख सकते हैं ऑटो हाईटेक, जो कि ये लोकेशन हमारा है गोविंदपुर। गोविंदपुर देख सकते हैं आगे में गोविंदपुर हो गया, ये मेन रोड है, बस जस्ट अपोजिट में ही हमारे एक बजाज शोरूम है, बस उन्हीं का अपोजिट साइड में ये हमारा शॉप है। तो यहाँ का फुल आप लोगों को डिटेल देने वाले हर एक गाड़ी का। यहाँ अधिकतर आप लोगों को सब फैमिली गाड़ी भी मिलेगा, स्विफ्ट डिजायर, लेनो, हर एक तरह का मॉडल आपको गाड़ी मिल जाएगा। तो बस इसी के साथ चलते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं और एंड। और एक बात, फाइनेंस की क्या सुविधा है वो भी आप लोगों को बताएंगे, फाइनेंस होगी कि नहीं होगी, कितना डाउन पेमेंट देने से आप लोग गाड़ी यहाँ ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो को। तो हमारे साथ जुटेंगे फैज भैया। फैज भैया कैसे हैं जी? बढ़िया बढ़िया है। एक और व्यूअर्स का हाई बोलिएगा। हाय व्यूअर्स। फैज भैया अपना शॉप का नाम बताएंगे जी? मेरे शॉप का नाम है ऑटो हाईटेक। ऑटो हाईटेक, ये लोकेशन कहाँ है जी? प्रॉपर लोकेशन बताइए, व्यूअर्स को आने में दिक्कत ना हो। जी जी, ये लोकेशन आपको धनबाद में गोविंदपुर में आपके लोकेशन में हमारी शॉप है। गोविंदपुर जी, आपका एग्जैक्ट लैंडमार्क है फकीरडी मजार के बगल में, एक बजाज शोरूम आपको मिलेगा, उसके जस्ट बगल में ही हमारा शोरूम लोकेटेड है। लोकेटेड फिर भैया फाइनेंस की सुविधा है क्या? जी हाँ, फाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंस करवा सकते हैं, पैन इंडिया में कहीं से भी आप हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बांधा हुआ लोकेशन नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, कहीं से भी कहीं आपका फाइनेंस हो जाएगा। हो जाएगी। कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? डाउन पेमेंट आपको देखिए जी, एक अनुमान मान के चलते हैं 30% तक, 30% किसी भी गाड़ी पे डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा, बाकी का लोन हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। हो जाएगा। और सिविल आपका अच्छा रहता है तो उससे कम में भी होने का चांस रहता है जी। लगभग आपको 700 से अबव रहा तो आप लोगों को फाइनेंस और भी कम कर दिया जाएगा, लगभग में 25-30% में आप लोग गाड़ी यहाँ से उठा कर ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट करें भैया? जी बिल्कुल। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली गाड़ी होने वाली i20, भैया इनका डिटेल दीजिएगा जी। ये गाड़ी हुंडई की i20 आस्था है, टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल है जी, 2018 की गाड़ी है। 2018 जी, फर्स्ट ओनर है ये भी, फर्स्ट ओनर है जी हाँ। देख सकते हैं 2018 के मॉडल होने वाली, फर्स्ट ओनर गाड़ी होने वाली, पेट्रोल वर्जन में कि डीजल वर्जन? ये पेट्रोल है। ये पेट्रोल है। ये नंबर प्लेट हमारी कहाँ पे हो जाएगी जी? इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो देवघर का नंबर है। देवघर नंबर प्लेट मिल जाएगी, टॉप मॉडल गाड़ी। गाड़ी में कोई खर्चा भैया? गाड़ी में कोई काम नहीं, आप गाड़ी चला के देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव आपको लेने से पहले हम कराएंगे, जो भी कस्टमर लेना चाहेंगे जी टेस्ट ड्राइव भी हम देने के लिए तैयार हो जाएं, कोई इशू नहीं है। आप गाड़ी चलाइए, देखिए, आपकी गाड़ी में एक रुपया खर्च नहीं करना, गाड़ी लीजिए, चलाना स्टार्ट कीजिए, यूज में लाइए। कितना कीमत देना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को इस गाड़ी के लिए? आपको ज्यादा कीमत नहीं है इसका, 5,50,000 दाम है। 5,50,000 जी। आने के बाद भैया? आने के बाद अगर आप वीडियो देख कर आते हैं तो आपको डिस्काउंट भी इस पे मिल जाएगा। मिल जाएगा जी बिल्कुल। देख सकते हैं काफी लाजवाब कंडीशन में, सुपर कंडीशन गाड़ी है। भैया हमारी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट गाड़ी है मारुति की बैलेनो है, डेल्टा वर्जन। डेल्टा वर्जन, इनका डिटेल दीजिएगा भैया हमारे व्यूअर्स को जी। ये बैलेनो डेल्टा है, साल 2020 की गाड़ी है ये जी? ये धनबाद का ही नंबर है, ये भी धनबाद रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी गाड़ी। फर्स्ट ओनर ये गाड़ी है, फर्स्ट ओनर ये भी गाड़ी है, पेट्रोल वर्जन में गाड़ी है, ये भी पेट्रोल है। कीमत क्या देना पड़ेगा भैया इस गाड़ी के लिए? आपको 5,60,000 इसकी कीमत है। 5,60,000 रुपया जी। नेगोशिएबल हो जाएगी जी बिल्कुल, ऑन द टेबल आइए, आप लोगों को नेगोशिएबल इसमें गाड़ी में कर दिया जाएगा। गाड़ी में कोई खर्चा भैया? गाड़ी में जैसे मैंने बताया कोई खर्चा नहीं, आप गाड़ी देख सकते हैं अंदर बाहर, आप देखिए गाड़ी में कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, ये भी फर्स्ट ओनर है जी। तो हमारी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी हो जाएगी भैया? नेक्स्ट गाड़ी ये भी बैलेनो ही है मारुति की, लेकिन ये टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल है जी, ये बैलेनो अल्फा है, ये बोकारो का नंबर है, बोकारो रजिस्ट्रेशन
जी हाँ। ओनरशिप में? ओनरशिप ये भी फर्स्ट ओनर ही है। यही फर्स्ट ओनर जी। 2019 की गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन इसका 2019 का है। 2019 के रजिस्ट्रेशन है गाड़ी, काफी लाजवाब गाड़ी। में कोई खर्चा भैया? गाड़ी में आपका देख सकते हैं जैसा कि सामने है, कुछ खास करवा देंगे ना। जी हाँ, कोई भी गाड़ी आप लीजिएगा ना, वॉशिंग, रॉबिन, पॉलिश, ये सब करके ही आपको फिनिशिंग करके गाड़ी दिया जाएगा। काफी लाजवाब कंडीशन में गाड़ी, में कोई खर्चा नहीं है, बहुत ही एवन कंडीशन में गाड़ी है। भैया क्या कीमत देना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को? इस गाड़ी की कीमत 5,90,000 है, जो कि नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल है, आइएगा देखिए गाड़ी बढ़िया से। भैया अपने साथ कोई अपना मिस्त्री ला सकता है ना गाड़ी को दिखाने के लिए? जी हाँ, आप बिल्कुल अपने साथ अपने मैकेनिक लाइए। आपको नॉलेज है नहीं हो उससे दिक्कत नहीं, आप मिस्त्री को लेके आइए, मैकेनिक को, वो चेक करके आपके बिहाफ पे, जब आप सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए तब आप गाड़ी लीजिए ना, कोई इशू नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है भैया फिर से? नेक्स्ट गाड़ी है मारुति की डिजायर है। मारुति की डिजायर काफी लाजवाब कंडीशन है, व्हाइट कलर की, बहुत सारे का डिमांड में भी रहता है। गाड़ी में कोई खर्चा भैया? गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है भैया, डिटेल दीजिएगा। सबसे पहली बात ये डीजल वेरिएंट में है, VDI है, जो कि अब मारुति ने बनाना बंद कर दिया, इसका डिमांड बहुत है मार्केट में। मार्केट में अभी बहुत क्रेज है ये गाड़ी का, डिमांड भी है और क्रेज भी है। मॉडल कौन सी हो जाएगी भैया? 2020 की मॉडल है और ये रांची के रजिस्ट्रेशन नंबर है। रांची रजिस्ट्रेशन है। ओनरशिप की बात करें? ओनरशिप ये भी फर्स्ट ओनर ही है। ये फर्स्ट ओनर जी। जो लेंगे सेकंड ओनर बनेंगे, देना पड़ेगा इनका कीमत। इस गाड़ी की कीमत आपको 6,500,000 रुपया लगेगा। 6,500,000 जी। नेगोशिएबल है ना? जी बिल्कुल नेगोशिएबल है। व्यूअर्स आएंगे क्योंकि गाड़ी काफी लाजवाब है और कंडीशन में भी है, सुपर कंडीशन में। भैया हमारी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है? जी ये मारुति की डिजायर है ये भी, और ये VXi है। VXi जी, ये पेट्रोल वर्जन में है जी, एकदम रिसेंट गाड़ी है, 2021 का मॉडल है। 2021 मॉडल है जी। फर्स्ट ओनर है? जी फर्स्ट ओनर ही है। जो लेंगे सेकंड ओनर बनेंगे। 2021 मॉडल, नंबर प्लेट हमारी कहाँ का? नंबर प्लेट ये आपका 05 जमशेदपुर का होगा। ये जमशेदपुर आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। भैया गाड़ी में कोई खर्चा? गाड़ी में जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कोई खर्चा नहीं, टायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर सारा बहुत ही अच्छा कंडीशन में, कंडीशन में देख सकते हैं, काफी लाजवाब कंडीशन में। इनका प्राइस क्या देना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स? इस गाड़ी का आपको 6,60,000 इसका प्राइस है। 6,60,000 रुपया गाड़ी में कोई खर्चा नहीं है, बहुत ही लाजवाब कंडीशन में, सुपर कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगा। तो भैया हमारी अगली डिमांडेबल गाड़ी कौन सी हो जाएगी? ये अगली गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो S10 है, ये टॉप मॉडल है, S10 टॉप मॉडल। देख सकते हैं गाड़ी में भैया कोई खर्चा? गाड़ी में आपका कोई खर्चा नहीं है, चारों टायर एकदम बढ़िया कंडीशन में, आप देखिए इंटीरियर देखिए, एक्सटीरियर देखिए, गाड़ी एकदम फ्रेश कंडीशन में लगी है जी। नंबर प्लेट हमारे कहाँ हो जाएगी? ये नंबर प्लेट 02 आपकी हजारीबाग की है। हजारीबाग रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी गाड़ी में। गाड़ी A1 कंडीशन में, फर्स्ट ओनर है भैया? जी बिल्कुल, ये भी फर्स्ट ओनर ही है। जो लेंगे सेकंड ओनर बनेंगे, काफी लाजवाब कंडीशन में। किन्हीं को भी चाहिए S10 जो कि लेटेस्ट। भैया क्या कीमत देना पड़ेगा इनका? देखिए गाड़ी साल 2016 का रजिस्ट्रेशन है, 16 का मॉडल है, इसकी कीमत आपको 9,50,000 रुपया पड़ेगा। 9,50,000 जी, जो की S10 मार्केट में अभी आप देखने जाइएगा तो लगभग 18 से 19 लाख रुपया आपको पड़ जाएगा। नया का कीमत लगभग 18 से 19 लाख रुपया मिल जाएगा, तो इसमें आपको मात्र देना पड़ेगा 9,00,000 रुपया 9,50,000 रुपया नेगोशिएबल उसमें भी है भैया? जी बिल्कुल नेगोशिएबल। आने के बाद ऑन द टेबल बात कीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको कर दिया जाएगा। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट डिमांडेबल गाड़ी कौन सी हो जाएगी भैया? जी ये क्रेटा 2022 की ये मॉडल है, और ये सबसे टॉप मॉडल में है, क्रेटा की जो सबसे टॉप वेरिएंट आती है ना जी, ये वो वाली गाड़ी है जी। 2022 मॉडल आपको मिल जाएगा गाड़ी में। भैया कोई खर्चा गाड़ी में? गाड़ी में 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना, गाड़ी लीजिए और यूज में लाइए, चलाइए, कुछ खर्च नहीं, कोई खर्चा नहीं है जी। देख सकते हैं फर्स्ट ओनर है भैया? जी बिल्कुल फर्स्ट ओनर है, रांची का नंबर है, रांची रजिस्ट्रेशन है। जो लेंगे सेकंड ओनर बनेंगे, क्या कीमत देना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स के? इस गाड़ी के लिए आपको 15,25,000 इसकी कीमत है। 15,25,000 जी। ये क्रेटा का सबसे टॉप मॉडल है, ये आपका मार्केट में 20 लाख के अबव ही आपको पड़ेगा। 2022 मॉडल है, काफी लाजवाब कंडीशन। भैया वॉश वॉश करवा के देंगे ना? जी बिल्कुल, वॉश करा के आपको पॉलिश करा के अच्छे से कंडीशन में गाड़ी दिया जाएगा, ऐसा लगे गाड़ी आपने नया ही लिया है, उस कंडीशन में आपको दिया जाएगा, उस कंडीशन में रखा भी है और उस कंडीशन में आपको देंगे भी, क्योंकि रोड के किनारे वॉश इसमें डस्ट लग ही जाता है, तो आपको लेने से पहले एक बार वॉश, रोबिन, पॉलिश सब कुछ करवा के देंगे जी। तो हमारे इसी के साथ हमारे नेक्स्ट कौन सी डिमांडेबल होने वाली है भैया? हमारे नेक्स्ट गाड़ी फिर से आ जाते हैं स्कॉर्पियो पे। भैया इनका डिटेल दीजिएगा। जी देखिए, जिनको स्कॉर्पियो लेना है लेकिन उनका बजट ज्यादा नहीं है जी, तो उनके लिए ये परफेक्ट गाड़ी रहेगी। ये स्कॉर्पियो VLX है जी, साल 2012 की मॉडल है, टॉप मॉडल ये भी है
जी, और ये धनबाद के नंबर है, रजिस्ट्रेशन इसका धनबाद का ही है जी। नंबर प्लेट ये भी धनबाद का आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, काफी लाजवाब कंडीशन में। गाड़ी में कोई खर्चा भी है? गाड़ी में आपका कोई मेजर खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है भैया, सुपर कंडीशन में रखा भी है, वॉश पॉलिश आपको करवा के देगा। भैया क्या कीमत देना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को? इसकी कीमत बहुत ज्यादा आपको नहीं है, इसकी कीमत 4,50,000 ही है। 4,50,000 बहुत जी, 4.5 लाख टॉप मॉडल में 4.5 लाख रुपया नेगोशिएबल, उसमें भी कुछ ना कुछ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इसी स्कॉर्पियो के साथ हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एंड आप लोगों को कागज के बारे में फुल अभी डिटेल देने वाले हैं भैया, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा पेपर के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे पेपर ट्रांसफर होते हैं और कितना लगते हैं जी। देखिए पेपर ट्रांसफर में ओनरशिप जो ट्रांसफर होगी, ये प्राइस जो है वो कैरी करता है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पे जी। अगर धनबाद का है तो वो डिफरेंट प्राइस रहेगा, और बोकारो जा रहे हैं तो डिफरेंट रहेगा, रांची जा रहे हैं तो अलग अलग रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वो प्राइस लगता है। एक एवरेज अगर मान के चलिए तो 5,000 से 5,500, 6,000 एक ऑन एन एवरेज लगता है। कई कई डिस्ट्रिक्ट में आपका 7,000 तक भी जा सकता है। कितना दिन में ट्रांसफर हो जाता है? ट्रांसफर आपको मैक्स टू मैक्स 15 दिन 2 हफ्ता के अंदर हुआ, तो 2 से 3 हफ्ता के अंदर पेपर आपके हाथ में रहेगा। काफी जल्दी पेपर आप लोगों को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो बस इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो इसी साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।